हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं हूं आपका दोस्त राजेश साहब चैनल चैनल आयेस्थ फिटनेस से आज मैं इस वीडियो में आपको बीमार कैलकुलेट करने का तरीका बताने वाला हूं आप सभी को पता है कि मीन्स बीमार जाने बिना आप मेंटेनेंस कर नहीं जान सकते हो और विदाउट मेंटेनेंस कर रही आप मींस अपना वेट लॉस प्रोग्राम जो फैट लॉस प्रोग्राम मसल बिल्डिंग प्रोग्राम बल्किंग प्रोग्राम कुछ भी मीन सा आप नहीं कर सकते हो बिकॉज आप अपना मेंटेनेंस कैलरी नहीं जानते हो आपको कितना मेंटेनेंस कैल चाहिए आपका बॉडी को मेंटेन करने के लिए उतना आपको नहीं पता तो आप बल्क कैसे करोगे या कट कैसे करोगे या मसल बिल्ड कैसे करोगे या फैट लॉस कैसे करोगे सो so, आपको नहीं पता सो so, मैं आज इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैसे मिसकेलकुलेट करना है सो so, सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में ठीक है गूगल क्रोम में जाना है फिर आपको गूगल में जाना है ठीक है यहाँ पे आपको लिखना है बीमार कैलकुलेटर ठीक है बीमार कैलकुलेटर लिखना है फिर इसके अंदर जाना फिर यहाँ पे देखिए मैंने अपना एज डाला ट्वेंटी फाइव आपका जेंडर है मेल यहाँ पे पूछा हाइट इन सेंटीमीटर सो आपको पता नहीं कि आपका हाइट इन सेंटीमीटर कितना है सो आप फिर से गूगल में चल जाइए ठीक है दूसरा टाइप में यहाँ पे मैंने डाला फाइव फिट टेन इंचज इन सेंटीमीटर सो मेरा हाइट निकला कितना वन सेंटीमीटर सो आपको वहाँ पर डालना मैंने यहाँ पर वन डाला है ठीक है और आपका वेट हो गया जैसे मेरा वेट है 81 किलोस, किलोज सो फिर कैलकुलेट किया के। तो यहाँ पे मेरा बी कितना लिखना 1815, हंड्रेड फिफ्टीन सो बी का मतलब ये नहीं कि आपका मेंटेनेंस कर रही है ठीक है फिर एक्टिविटी लेवल दिया हुआ यहाँ पर और कैलरी दिया हुआ है तो आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है मीन्स आप एक्सरसाइज कैसे करते हो आपका फिर आप कैसा जगह पर काम करते हो यदि आप ऑफिशियली ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पर आपका मीन्स एक्टिविटी लेवल बहुत कम है या मीनस वहाँ पर आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होता था। है।, so, week, तो so, है तो यहाँ पर पूछ रहे कि आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है सो जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ फोर टू टाइम्स पर वीक तो मेरा यहाँ पे मेंटेनेंस कैलवे कितना निकला टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी नाइन सो बीमार से आपका मेंटेनेंस निकलता है तो यहाँ पे मेंटेनेंस है आपका टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी नाइन ये मेरा है ठीक है ऐसे आपको अपना वेट डालना है फिर आपको निकल जाएगा कि आपका कितना है सभी का डिफरेंट होता है सभी का बॉडी टाइप दूसरा होता है किसी का बॉडी टाइप सेम नहीं है तो सभी का दूसरा आएगा सो so, इसीलिए कहा जाता है कि यदि ये, ये डाइट मेरे पे अच्छा काम कर रहा तो वो डाइट आप पे अच्छा काम करेगा उसका मतलब नहीं है यही कारण है बी के कारण सो so, मैंने यहाँ पर अपना एज डाला हुआ जेंडर डाला है हाइट वेट ठीक है फिर आपको ये सब मिल गया सो जैसे आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता चल गया मतलब इसका इसका मतलब क्या है कि आप जो भी प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो यदि आप वेट लॉस प्रोग्राम में है यदि आपको फैट बर्न करना है तो so आपको मेंटेनेंस कैलोरी जितना है उससे 200 सौ कैलोरी कम लेना है और यदि आप मसल बिल्डिंग प्रोग्राम में बल्किंग प्रोग्राम में है देन क्या आपको जितना मेंटेनेंस कैलोरी उससे दो सौ कैलोरी ज़्यादा लेना है में रहना है वेट गेन करने के लिए मसल बिल्ड करने के लिए आपको सरप्लस चाहिए वेट लॉस करने के लिए आपको डिफिसिट में रहना पड़ेगा मीन्स मेंटेनेंस से कम लेना पड़ेगा सो so, यदि आप जान जाते हो आपका मेंटेनेंस कर रही तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपको पता है कि आपका कर रही इतना है सो so, और मेंटेनेंस कर कैलोरी हमेशा सेम नहीं रहता है दोस्तों ये हमेशा सेम नहीं रहता ये आपका जैसे वेट और बढ़ेगा सोचिए आपका वेट सिक्सटी है तो बाद में सिक्सटी होगा यदि आप वेट गेन मीन्स प्रोसेस में है यदि आपका प्रोग्राम है वेट गेन तो आपका वेट तो बढ़ेगा तो वेट जब बढ़ता है तो आपका बीमार भी चेंज होगा उस टाइम तो आपको बीमार हमसे कैलकुलेट करना है और अपना वेट भी चेक करते रहना है रेगुलर हर हफ्ते में तभी ना आपको पता चलेगा आप आपका प्रोसेस में से, आपका जो आप ट्रैक पर जा रहे हो आप जिस लाइन पर जा रहे हो सही जा रहे हो कि नहीं पता चला कि अब दो महीने के बाद आपको वेट सिक्सटी है मतलब वेट सिक्सटी मतलब कि आप मेंटेनेंस के लिए उतना जितना आपको चाहिए उतना ही ले रहे हैं यदि आपको 2000 कैलोरी आपका मेंटेनेंस है तो आप 2000 ही ले रहे हो 2000 से ज़्यादा कैलोरी नहीं ले रहे इसे आपका बॉडी गेन नहीं करता ठीक है अब आप वेट गेन कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन लेना ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वेट गेन कर रहे हैं और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वेट लॉस कर रहे हैं यदि आप वेट लॉस कर रहे हैं और प्रोटीन नहीं ले रहे तो आपका फिर क्या होगा प्रोटीन नहीं ले तो आपका मसल लॉस होगा वेट फैट लॉस के साथ मसल भी लॉस होगा फिर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा सो आपको हमेशा ये सब चीज़ ध्यान में रखना है और दोस्तों मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी लाइक से सब्सक्राइब करना यार प्लीज़ यदि आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है सो so, आज के वीडियो के लिए इतने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंटिल पीस बाय टेक केयर